नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पीसीएम क्यूब पे। मायसेल्फ साइनी वर्मा फ्रॉम एनआईटी अगरतला। हम लोग आज देखेंगे समान समुच्चय क्या होते हैं, इक्वल सेट्स। तो समान समुच्चय क्या होते हैं, दो समुच्चय ए और बी अगर समान हो गए तो इसका जो डिफिनीशन है या मेन कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या है कि ए के जो सारे अवयव हैं वो बी में होने चाहिए और बी के सारे अवयव ए में होने चाहिए। तो ए और बी को क्या बोला जाता है, समान समुच्चय बोला जाता है। अगर ए और बी समान समुच्चय नहीं है तो ये क्या होंगे, असमान होंगे। तो हम लोग इसका एग्जाम्पल लेके शुरू करते हैं। मान लेते हैं हम लोगों ने एक सेट लिया ए, ए में जो है चार एलिमेंट है 1 2 3 4, और एक सेट हमने बी लिया, इसमें भी एलिमेंट है 2 1 3 4। तो ए में कितने एलिमेंट है, चार एलिमेंट है, बी में चार एलिमेंट है और एलिमेंट इसमें क्या है 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4। ए और बी, ए के सारे अवयव यहाँ पे बी में है और बी के सारे अवयव ए में है, बस इनमें आर्डर क्रम बदल दिया गया है। तो यहाँ पे क्या है, समुच्चय ए के सारे अवयव बी में हैं तथा समुच्चय बी के सारे अवयव समुच्चय ए में है। अतः ए और बी क्या हो गए, समान समुच्चय हो गए। ए और बी क्या है, समान समुच्चय। अतः ए और बी तो समान समुच्चय एकदम सिंपल सा होता है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं। कि अगर एलिमेंट्स जो है सेम हो, यानी जो एलिमेंट्स ए में है वही बी में है। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो समुच्चय समुच्चय ए के अवयव सारे बी में है और बी के सारे अवयव ए में है, या ऐसे बोले कि ए और बी के अवयव जो है समान है। ए और बी में जो अवयव है, मतलब एलिमेंट्स हैं ए और बी में, वो क्या है, समान है। तो उनको समान समुच्चय बोला जाता है। और लिखा कैसे जाता है, अगर ए और बी समान है तो इसको लिखा जाता है ए बराबर बी। इसका कहने का मतलब क्या है, समुच्चय ए तथा बी, समुच्चय ए तथा समुच्चय बी समान समुच्चय है, समान समुच्चय है। एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं। ए इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं ए ई आई ओ यू, बी बराबर हम लोग ले लेते हैं ए ई आई ओ। अब हम लोग देखते हैं ए में कितने एलिमेंट हैं, पांच एलिमेंट हैं ए ई आई ओ यू, बी में कितने हैं, चार एलिमेंट हैं ए ई आई ओ। तो बी के सारे जो है ए ई आई ओ ये ए में हैं, लेकिन ए के सारे अवयव जो है बी में नहीं है, क्योंकि यू जो है ए में है। यू जो एलिमेंट है आपका वो ए सेट में है, लेकिन यू जो है सेट बी में नहीं है। तो बी के सारे अवयव तो ए में है, लेकिन ए के सारे अवयव बी में नहीं है, इसलिए समान समुच्चय नहीं है। तो हम लोग क्या लिखते हैं कि ए के, तो इसमें लिखने की जरूरत क्या है, हम लोग ऐसे लिखते हैं कि ए और बी समान समुच्चय नहीं, ए नॉट इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या हो गया, समुच्चय ए तथा बी समान नहीं है, समुच्चय ए तथा बी समान नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, समान समुच्चय होंगे तो जो समुच्चय ए में अवयव होंगे वही बी में होंगे, यानी दोनों समुच्चय में अवयव समान होंगे, उनको समान समुच्चय बोला जाता है। अब हम लोग जो डिफिनेशन के हिसाब से लिख लेते हैं, डिफिनेशन लिख लेते हैं जो आपकी बुक में दिया है। डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं, परिभाषा
नंबर तीन है आपकी बुक में। समान समुच्चय की परिभाषा, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे जो अभी हम लोगों ने देखा है कि दो समुच्चय ए तथा बी समान कहलाते हैं यदि उनमें जो है समान अवयव हो। ए और बी समान समुच्चय कहलाते हैं, ये दोनों में अवयव क्या हो, समान हो। दो समुच्चय ए तथा बी दो समुच्चय ए तथा बी समान समुच्चय कहलाते हैं यदि उनमें तथ्यता समान अवयव हों। ए तथा बी समान समुच्चय कहलाते हैं यदि उनमें तथ्यता समान अवयव हों। और अगर समान नहीं होंगे तो क्या होगा, अगर समान नहीं होंगे तो असमान होंगे। और हम लिखते हैं इसमें एक पॉइंट हम लोग और हम लिखते हैं ए बराबर बी, लिखते हैं ए बराबर बी, मतलब कि ए और बी अगर समान समुच्चय हो तो ए बराबर बी हम लोग लिखते हैं। अन्यथा अगर ऐसा नहीं हुआ, अदरवाइज ए और बी अगर समान नहीं है तो अन्यथा ए और बी असमान समुच्चय है। अगर समान नहीं होंगे तो असमान होंगे, अन्यथा ए और बी असमान समुच्चय है। और हम लिखते हैं ए नॉट इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होता है कि ए तथा बी समान समुच्चय नहीं है। ए तथा बी समान समुच्चय नहीं है, ये हो गया। तो ये डिफिनेशन हो गया आपका कि ए बराबर बी, ए और बी समान समुच्चय है, ए नॉट इक्वल टू बी यानी ए और बी समान समुच्चय नहीं है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। अब इस पे हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं कुछ और। एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एक सेट हम लोगों ने ए लिया है, सभी एक्स का समुच्चय जहां एक्स एक धनात्मक पूर्णांक है, अब हमको बताना है कि ए और बी समान समुच्चय है कि नहीं। ए क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 यानी ये नेचुरल नंबर का सेट है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। बी क्या है, धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक आपके यही होते हैं 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे इनफिनाइट तक चला जाता है। और ए सेट भी यानी धनात्मक पूर्णांक और नेचुरल नंबर दोनों एक ही होते हैं, दोनों सेट एक ही होता है। तो ए और बी क्या है, समान समुच्चय है।
ये दोनों अलग अलग पॉइंट कह रहा है, ये नेचुरल नंबर बोल रहा है और ये धनात्मक पूर्णांक, लेकिन जब हम लोग लिस्ट करेंगे देखेंगे तो दोनों में समान अवयव होंगे और इसमें जितने अवयव है उतने इसमें होंगे और जितने इसमें है उतने इसमें होंगे, दोनों में जो है समान अवयव होंगे। तो ए बराबर बी, ए तथा बी, इसको क्या पढ़ा जाता है, ए तथा बी समान समुच्चय है, ए और बी, ए और बी समान समुच्चय है। अब आपकी बुक में एग्जांपल दिया हम लोग उसको देखते हैं। इसमें दिया है दो सेट आपका, एक सेट ए दिया है, ए सभी एक्स का समुच्चय जहां एक्स 6 से कम, 6 से कम एक अभाज्य संख्या है। छह से कम एक अभाज्य संख्या है और एक सेट आपका बी दिया है, सभी एक्स का समुच्चय जहां एक्स 30 के अभाज्य गुणनखंडों का समुच्चय है, सॉरी तो एक्स 30 का एक अभाज्य गुणनखंड है, 30 का एक अभाज्य तो दो समुच्चय यहाँ पे लिखे हैं, दोनों समुच्चय निर्माण रूप में लिखे हैं हमारे पास, तो दोनों अगर पढ़ने से तो दोनों अलग अलग समुच्चय आ रहे हैं, लेकिन इसमें कौन कौन से अवयव होंगे ये हम लोग क्लियर कर ले और इसमें कौन कौन से होंगे तब हम लोग क्लियर कर पाएंगे कि दोनों समान हैं कि नहीं है। तो ए को हम लोग जो है सारणीबद्ध रूप में लिखेंगे, 6 से कम एक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या 6 से छोटी क्या हो गई, 5 हो गया, 3 हो गया और 2 हो गया, एक तो अभाज्य है नहीं, तो 6 से कम एक अभाज्य संख्या हो गया 5, 3, 2। अब बी वाले सेट को हम लोग लिखते हैं, 30 का एक अभाज्य गुणनखंड, तो 30 को कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं, ये हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 5, 1, तो क्या हो गया 2 × 3 × 5, तो अभाज्य गुणनखंड निकालने से ये पता चल गया 30 को 2, 3 और 5 कितनी संख्याएं डिवाइड करेंगे इसको अभाज्य संख्याएं, 2, 3 और 5, तो ये हो गया इसका 2, 3, 5। अब हम लोग देखते हैं ए के जो सारे अवयव हैं वो बी में हैं और बी वाले सारे ए में हैं, यानी ए और बी में समान अवयव हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे, ए और बी समान समुच्चय हैं। ए और बी समान समुच्चय हैं। एग्जाम्पल नंबर जो है आपका 7 दिया है, उदाहरण 7, ये हम लोग करते हैं, ये भी समान समुच्चय पे है कि समान है कि नहीं, ये सेट दिए हैं आपको समान समुच्चय के युग्म छांटने हैं, समुच्चय ए जो इधर दिया है वो 0 एक एलिमेंट के रूप में है और बी है बी इक्वल टू सभी एक्स जहां एक्स ग्रेटर देन 15 और एक्स लेस देन 5, एक ये हो गया, बी हो गया, फिर एक सेट और दिया है सी, सभी एक्स जहां पे एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 है, एक समुच्चय डी दिया है, सभी एक्स जहां एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, एक समुच्चय ई दिया है, सभी एक्स का समुच्चय जहां एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 का एक धन पूर्णांक मूल है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15
का एक धन पूर्णांक हल है। अब ए समुच्चय तो हमारा क्लियर क्लियर दिख रहा है कि ए में कौन सा एलिमेंट है, एक एलिमेंट है जीरो, और बी को हम लोग अब लिख लेते हैं। बी समुच्चय को हम लोग लिखेंगे सभी एक्स का समुच्चय एक्स 15 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो। तो नंबर लाइन पे यहाँ 5 होगा तो यहाँ 15 होगा, 5 से छोटे वाले इधर होंगे, 15 से बड़े वाले इधर होंगे। तो और लगा रहता है, मतलब कि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए, 15 से बड़ा भी हो और 5 से छोटा भी हो। तो हम लोग जानते हैं कोई ऐसा नंबर अस्तित्व में नहीं है कि जो 15 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो। तो बी भी क्लियर हो गया आपका। सी x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो इसका एक सोल्यूशन आएगा x इक्वल टू 5। डी अपना हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 25, तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 5 और 5। ई को हम लोग लिख लेते हैं x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 का एक धन पूर्णांक हल है। तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0 का जो हम लोग सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0, तो x माइनस 5 प्लस 3 x माइनस 5 इक्वल टू 0, एक ब्रैकेट में हो गया x प्लस 3, एक में हो गया x माइनस 5 इक्वल टू 0, एक आगे x की वैल्यू 5 और एक माइनस 3, तो ये क्या हो गया 5 और माइनस 3। अब a b c d e 5 समुच्चय आपके दिए हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन समुच्चय समान है। देखिए कोई भी समुच्चय यहाँ पे समान नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई समुच्चय नहीं है जिसके अवयव सेम अवयव दूसरे समुच्चय से मिले, तो इसमें कोई भी समान नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए ना तो बी के बराबर है, ना सी के बराबर है, ना डी के बराबर है, कोई किसी के बराबर नहीं है। ये हो गया आपका एग्जाम्पल 7। एक एग्जाम्पल और बचा है इसमें आपका, है उदाहरण 8। समान समुच्चय बताने हैं आपको, दो पार्ट है इसमें। x जो है शब्द एलॉय, एलॉय a double l o y, एलॉय का जो है कि अक्षरों का समुच्चय है, और b जो है शब्द लॉयल के अक्षरों का समुच्चय है। ये पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट आपका दिया है ए समुच्चय सभी एन, जहां एन जो है बिलोंग टू जेड यानी पूर्णांक होना चाहिए, और तथा एन स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। ये आपका समुच्चय ए है। और यहाँ पे बी क्या दिया है, बी है सभी x जहां पे x बिलोंग टू रियल नंबर होने चाहिए, तथा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। आपके दो पार्ट हैं, दो एक एक पार्ट में दो समुच्चय दिए हुए हैं। आपको ये बताना है कि कौन से समुच्चय समान है, कौन से समान नहीं है। तो हम लोग पहला पार्ट करते हैं। पहले पार्ट का आंसर हम लोग जब करेंगे तो x जो है शब्द, एक सेट x है जो शब्द एलॉय के अक्षरों का समुच्चय है। तो एलॉय में कौन सा अक्षर है, a है, l है, l दो बार आ रहा है तो हम लोग नहीं लिखेंगे दो बार, o है और y है, और b जो है शब्द लॉयल, लॉयल में कौन है, l o y a, और l दो बार आ रहा है तो हम लोग नहीं लिखेंगे। अब x और b को ध्यान से देखिए, a l o y, A L O Y, बस आर्डर बदल के सारे एलिमेंट दोनों में सेम है। तो X इक्वल टू क्या हो जाएगा, B, X और B समान समुच्चय हैं। अब हम लोग सेकंड पार्ट का आंसर देखते हैं। जो A सेट है इसको हम लोग लिखते हैं, N क्या होना चाहिए, सभी N का समुच्चय जहां N क्या है बिलोंग टू Z पूर्णांक में से होना चाहिए, तथा N स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। एन स्क्वायर यानी पूर्णांकों में से वो नंबर हमको लेने हैं जिसका स्क्वायर करने पे या तो 4 के इक्वल आए या 4 से छोटा आए। तो अगर हम लोग वैल्यू 2 लेंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, तो एन की एक वैल्यू क्या होगी 2।
अब टू के बाद एक पूर्णांक क्या आता है, थ्री। थ्री लेंगे तो थ्री का स्क्वायर नाइन हो जाएगा और वो चार से बड़ा है तो इसमें नहीं लेंगे। अब टू से छोटा हम लोग वन लेंगे तो वन का स्क्वायर करेंगे वन होगा जो चार से छोटा है। फिर इसके पीछे क्या है, जीरो है, जीरो का स्क्वायर जीरो, ये चार से छोटा है। फिर माइनस वन एक पूर्णांक मिलेगा उसके पीछे, माइनस वन का स्क्वायर करेंगे वन, ये भी चार से छोटा है। अगला पूर्णांक मिलेगा माइनस टू, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये चार के बराबर आ जाएगा और यहाँ पे बराबर ले सकते हैं, यानी एन की वो वैल्यू हम लोग ले सकते हैं जिसका स्क्वायर करने पर ये चार के बराबर आ जाए। अब अगला पूर्णांक क्या होगा, माइनस टू के पीछे माइनस थ्री, माइनस थ्री हम लोग लेंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे तो नाइन हो जाएगा, इसीलिए यहीं पे आप स्टॉप कर दीजिए। ए सेट आपका कंप्लीट हो गया। बी सेट हम लोग लिखते हैं x, सभी x जहां x बिलोंग टू रियल नंबर, रियल नंबर के सेट से होना चाहिए और x square minus 3x plus 2 equal to 0 होना चाहिए। तो x square minus 3x plus 2 equal to 0 को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो देखते हैं यहां से x की वैल्यू क्या आती है। यहां से x कॉमन कर ले, x minus 2 minus 1, x minus 2 equal to 0, x equal to आ गया 1 और 2, तो x की वैल्यू आ गई 1 और 2। तो यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं, a और b समान समुच्चय नहीं है। तो ये आपका समान समुच्चय का डिफिनेशन और उसपे जो सॉल्व एग्जांपल है ये आपका क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग जो है एक्सरसाइज करेंगे इसपे।